फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल के एंड क्योर गाइस। जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, वो ये है कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको पता चल सकता है अपनी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें देखकर कि आपकी प्रेगनेंसी है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आप देख के चेकआउट खुद ब खुद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और कई बार क्वेश्चन आता है, मेरी एक वीडियो है कि स्टार्टिंग में जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी तो उस टाइम पे उस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट है, क्या ब्लीडिंग मतलब स्पॉटिंग्स होती है तो क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, क्या होता है, तो वो भी मैं इस चीज़ को बतला दूंगी कि स्टार्टिंग में होती है या नहीं होती, या डरने वाली बात होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगी। तो वीडियो में टेल एंड तक बने रहें, लेकिन साथ ही साथ अगर गाइस अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो मेरे चैनल पर तो कम से कम सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहेगी। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोज़ की अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, आपको क्या चीज़ समझ में अपनी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप प्रेगनेंट हो, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बस स्टार्ट हो चुका है। तो वो होता है ये कि सबसे पहले आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, आपको फीवर आ सकता है, आपके जो पाम्स होते हैं हैंड की हथेलियों के पाम्स, आपके पैर की लेग के, तो वो गर्म होंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपका भी हाई हो सकता है आपके, या फिर अगर टेम्परेचर नहीं भी हाई है तो गर्म, ऑलवेज हथेलियाँ गर्म रहेंगी, तो ये चीज़ को ज़रूर से नोट आउट करें, ये भी एक सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। सेकेंड चीज़, आपको सर में दर्द हो सकता है। थर्ड चीज़ जो होती है, हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा पेट में, पेड़ों में दर्द, जिसे कहा जाता है पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा, आपके विजाइनल एरिया में आपको दर्द होगा। जैसे पीरियड के टाइम पे दर्द होता है आपको, वैसा दर्द भी होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं लेकिन इस तरीके के दर्द अगर आपको है तो ये भी एक लक्षण होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है। और उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पॉटिंग्स कई बार होता है कि हफ्ते में, अगर आपके जब पीरियड्स मिस हुए हैं उसके एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के अंदर, ज़्यादातर एक हफ्ते के अंदर देखा गया है, 15 डेज़ तक भी आपको कभी भी स्पॉटिंग्स हल्की फुल्की सी हो सकती है। आपका एक पैड भी नहीं ख़राब होगा इस तरीके से, हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग्स आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आती है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको सिम्टम्स नज़र में आ जाएगा, समझ में आप लगा लो कि ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी। और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो यानी कि नहीं है, थोड़े टाइम ओवर होने के बाद या कोई इशू हो गया, तो इस तरीके की चीज़ होती है। लेकिन हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि 2-2.5 महीने के बाद जो स्पॉटिंग्स होती है, तो उसमें आपको डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। इवन अगर आपको 15 डेज़ भी हो गया है तो डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद जो सिम्टम्स जो होता है वो ये होता है कि जो आपके ब्रेस्ट होते हैं, निप्पल का साइड का जो एरिया होता है वो डार्कन, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें डार्कपन आ जाता है, मतलब कालापन आप कह सकते हो कि कालापन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, कई बार अपर डाउन होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारे अपने अंदर सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। कई बार आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कई बार आपको भूख बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। तो ये देखिए, जितने भी सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपके साथ सभी चीज़ें मिले। कई लोगों को 3-4 सिम्टम्स समझ में आते हैं अपने, कई लोगों के साथ सारे मिलते हैं, कई लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को बिल्कुल भी अपने अंदर वो मत करिएगा कि शायद मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स नहीं है तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंट नहीं, हो सकता है कि आपके प्रेगनेंट हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको सिम्टम्स उभर कर नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें बतला चुकी हूँ कि ये सिम्टम्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी है। आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, सुबह सुबह के टाइम पर नींद बहुत ज़्यादा आएगी, कोई भी काम करने का आलस जैसा मन आपका हो जाता है, जैसे से इंसान हो जाता है, बस वैसा ही हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, ऑलवेज लगता है कि बेड पे रहूं। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये स्टार्टिंग के दौर के होते हैं, और ये होना नेचुरली है, बहुत सारी वुमेंस को होते हैं। उसके बाद 2-3-2.5 महीने के बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। तो गाइज ये थे सिम्टम्स, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं बतलाने जा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सभी जानते हैं यूरिन टेस्ट करना चाहिए, आप कोई भी मार्केट से स्ट्रिप ले आइए, आराम से मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल आप दुकान पे जाओगे, आप शॉप पे जाओगे, आपको मिल जाएंगी। कोई भी स्ट्रिप ले आइए, किसी भी कंपनी की ले आइए। कहा जाता है कि मॉर्निंग का आपको यूरिन लेना है,
ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी या आइकन में लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट ज़रूर से करिएगा। कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कब किया जाता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ ठीक, कि आपको यूरिन टेस्ट कब करना चाहिए। तो देखिए, कई लोग अपना पीरियड जब उनका मिस होता है उसके दूसरे तीसरे दिन करते हैं, उन्हें रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर अच्छे से रिज़ल्ट चाहते हो तो एक हफ्ता वेट कर लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हो। अगर आप प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हो तो ठीक है, उनके लिए है कि आप एक हफ्ता रुक जाइए, उसके बाद इत्मीनान से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, यूरिन टेस्ट करिए। ब्लड टेस्ट अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर बार बार इनवैलिड आ रहा है या कोई और रीज़न है उसके बाद आप ब्लड टेस्ट भी चाहिए। अदरवाइज़ आपको यूरिन टेस्ट से ही आप रिज़ल्ट मिल जाता है ठीक है। ज़्यादातर वुमेंस को यूरिन टेस्ट से ही रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आप मॉर्निंग का ले लीजिए यूरिन, अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए करना है कि नहीं मॉर्निंग का ही करना है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप दोपहर का नहीं लेना या रात का नहीं लेना, आप सुबह से लेके 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी में एसटीजी होता है वो ऑलवेज रहता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम पर रहता है और बाकी सारे दिन गायब हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ख्याल रखें, कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है, कोई और प्रोसेस, कुछ चीज़ें हो रही हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज हल्की फुल्की से स्पॉटिंग्स, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ब्लीडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा वुमेंस परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती हैं, तो हल्की फुल्की से स्पॉटिंग्स आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के, जब आपके पीरियड्स मिस हुए हैं उसके 10-15 दिन के भीतर कभी भी हल्की फुल्की स्पॉटिंग्स हो सकती है। इतनी बात तो आपको मैंने क्लियर कर दी, डरने घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका भ्रूण होता है वो अच्छे तरीके से प्लांट होना स्टार्ट होता है आपकी ओवरी के अंदर। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इस वजह से आपको स्पॉटिंग्स जो होती है आ सकती है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप प्रेग्नेंट होते हुए भी आप अगर बहुत सारी चीज़ें अगर अपने माइंड पे टेंशन भी लेते हो तो उनका इफेक्ट भी पड़ता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, जो होना होता है वो होके रहता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बस इसलिए ये वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो ज़रूर से लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।